Good morning, dear students of class 5. I am Pooja Miss, your science teacher, and today I will teach you chapter 3. This is the first part. So, what is the name of your chapter? Stay safe. Surakshit rahiye. Stay safe. Safe rahne ke liye kyun kaha ja raha hai? Surakshit rahne ke liye hame. Because accident may happen anytime. Kabhi bhi durghatna ho sakti hai, kisi bhi samay, kisi bhi jagah par ho sakti hai. तो इसके लिए हमें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की जरूरत होती है. फर्स्ट एड ट्रीटमेंट किसको कहते हैं? अब डॉक्टर हर जगह तो अवेलेबल तुरंत नहीं ना हो जाएंगे, तो इसीलिए हमें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की जरूरत होती है. फर्स्ट एड किसको कहते हैं? द इमीडिएट मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर टेकिंग हिम हर टू द डॉक्टर. तुरंत प्राथमिक उपचार करना, तुरंत इलाज करना उसका, इंजर्ड पर्सन का डॉक्टर से ले जाने से पहले, कहलाता है फर्स्ट एड. ओके, तो फर्स्ट एड बॉक्स भी हमें अपने घर में रखना चाहिए. उसमें सारे सामान रखने चाहिए, सीजर्स रखनी चाहिए, गॉज रखना चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन, एंटीसेप्टिक क्रीम, ठीक है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो सबसे पहले इसमें क्या टॉपिक है? एनिमल बाइट्स, जानवरों का काटना. एनिमल बाइट्स में लीड टू बॉर्न इंफेक्शन और रिस्क ऑफ सीरियस डिजीज सच एज रेबीज. जानवर अगर कोई भी काटते हैं तो बहुत तरह के घाव हो जाते हैं, या तो इन्फेक्शन हो जाता है, या तो एक कुछ बीमारी भी हो सकती है जिसका नाम है रेबीज. ये बहुत ही भयंकर बीमारी भी है. रेबीज वायरस फाउंड इन बुल्स, बैट, डॉग्स एंड कैट्स. ये एक वायरस है जो कि इन सभी जानवरों में पाया जाता है, बुल्स में, बैट्स में, चमगादड़ में, कुत्ते में और बिल्लियों में, ठीक है. सो अगर एनिमल काट ले एनिमल्स, तो किस तरीके से हमें क्या फर्स्ट एड अपनाना चाहिए, ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं फोन पे. फर्स्ट इज स्क्रब द वाउंड विद सोप एंड वाटर एटलीस्ट 10 मिनट. जो भी घाव हो गया है जानवरों के काटने से, तो उसको साबुन से या फिर पानी से 10 मिनट तक धोते रहना चाहिए, साफ करते रहना चाहिए, साफ कर देना चाहिए, ठीक है. उसके बाद कवर विथ ड्राई क्लीन क्लोथ, उसको सूखे कपड़े से, लेकिन साफ और सूखे कपड़े से कवर कर देना चाहिए, ढक देना चाहिए. और नेक्स्ट कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली, और उसके बाद डॉक्टर से जल्द से जल्द उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट इज सीवियर ब्लीडिंग, गंभीर जब खून बहने लगता है बहुत ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ? टू मच ब्लड इज लॉस्ट बिफोर द फ्लो इज कंट्रोल. बहुत ज्यादा खून का बह जाना, खून का रुकना नहीं, दैट इज कॉल्ड सीवियर ब्लीडिंग. इट मे मेक अ पर्सन अनकॉन्शियस, और इससे क्या हो जाता है, कोई भी व्यक्ति बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, ठीक है. तो बहुत ज्यादा खून निकल जाए तो फिर क्या क्या ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हैव द विक्टिम लाई डाउन टू प्रिवेंट फेंटिंग. विक्टिम जो भी पीड़ित है उनको लिटा देना चाहिए ताकि वो बेहोशी ना आए उनको, ठीक है. यूज स्टराइल और क्लीन क्लोथ टू कवर इट, जो साफ कपड़ा कोई भी हो उससे कवर कर देना चाहिए, या फिर जो क्लीन क्लोथ आता है मार्केट में बैंडेज, उससे कवर कर देना चाहिए. मीट द डॉक्टर फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, और आगे के इलाज के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि खून नहीं रुक रहा है तो ये तो बहुत टेंशन वाली बात हो जाती है, तो उसके लिए डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए. नेक्स्ट इज आई इरिटेशन, आंखों में जो खुजली होने लगती है, ठीक है. तो क्या लिखा है कि इवन ए स्मॉल स्पिक ऑफ डर्ट इन द आई कैन काउज मच पेन. एक छोटा सा डस्ट का जो कण चला जाता है तो क्या हो जाता है, हमारी आंखों में दर्द शुरू हो जाता है. तो उसके लिए भी सबसे पहले क्या क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्या क्या फर्स्ट एड लेना चाहिए. पुल द लोअर लिड डाउन बाय लिफ्टिंग द अपर लिड ऑफ द आई बॉल. आंखों का जो आईबॉल है पहले उसको नीचे कीजिए, फिर ऊपर कीजिए, मतलब कि घुमा के देखिए कि आखिरकार वो आपका स्पेक डस्ट, आपका जो डर्ट गया वो कहाँ पे है, ठीक है. उसको चेक करिए कि कहाँ पे है, कभी कभी वो निकल भी जाता है. और अपने आईलिड को घुमाते रहिए और उसमें देखिए कि आपके कॉर्नर में जाके स्पेक अटक जाता है. तो मिरर का हेल्प लेके आप खुद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यूज हैंडकरचीफ और क्लीन क्लोथ टू पिक अप द स्पेक.
किसी भी आपकी जो भी आई में डस्ट चला गया तो आप किसी भी गंदे कपड़े से नहीं निकाल सकते हैं। आप हैंडकरचीफ यूज कीजिए, वो भी क्लीन रहना चाहिए, या फिर कोई और क्लीन क्लॉथ यूज कीजिए ताकि आप उसको निकाल सके डस्ट को। जेंटली स्प्लैश वाटर विथ योर हैंड, तुरंत पानी डालिए, क्योंकि पानी की छींटे डालने से भी जो भी डस्ट होते हैं वो निकल जाते हैं। एंड ट्राई टू रिमूव द मटेरियल, और जो भी आपके जो गंदगी चले गए हैं आंखों में तो वो निकालने की कोशिश कीजिए। इफ पेन कंटिन्यू एंड स्पीक हैज स्टिल नॉट कम आउट, रश द विक्टिम टू एन आई डॉक्टर और टू अ हॉस्पिटल। अगर जो पीड़ित है जिनके आंखों में हो गया है, चला गया है गंदगी और पेन कंटिन्यू हो ही रहा है, दर्द कर ही रहा है, तो स्पीक अंदर है ही, तो तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाइए, हॉस्पिटल ले जाइए और उसका ट्रीटमेंट कराना शुरू कर दीजिए। ठीक है, सो नेक्स्ट फर्स्ट ट्रीटमेंट किस में कर सकते हैं? बर्न्स में। जल जाए अगर हमें, स्किन कैन गेट बर्न बाय फ्लेम्स, हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट लिक्विड्स, एक्सेसिव सन एक्सपोजर, केमिकल्स और कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रिसिटी। स्किन कैसे जल जाएगा? या तो आग से जल जाएगा, और या तो गर्म ऑब्जेक्ट छूने से जल जाएगा, या फिर सूरज की रोशनी ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा, जिसको हम लोग टैनिंग कहते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उससे भी स्किन जल जाता है, केमिकल से जल सकता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टैक्ट में हम लोग आएंगे, बिजली का झटका लगने से भी स्किन जल जाता है। तो उससे बचने के लिए, उसके लिए हम लोग को क्या क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? तो सबसे पहले फॉर स्कैल्स और स्मॉल बर्न्स, लेट रनिंग कोल्ड वाटर फ्लो ओवर द बर्न। अगर छोटा मोटा जला हुआ है तो उसके लिए ठंडा पानी जो है उसका फ्लो उस घाव पे होते रहना चाहिए, नल के पास खड़े हो जाइए और उस पर पानी देते रहिए जहाँ पे आपका जल चुका है। उसके बाद अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन अगर अवेलेबल है घर में तो वो लगाइए, या फिर क्रीम, ताकि इन्फेक्शन ना हो सके। If antiseptic lotion is not available, apply a paste of baking soda and water. अगर antiseptic lotion या फिर cream available नहीं है तो baking soda होता है घर में, available होता है, generally लोग उससे बनाते हैं, dish वगैरह use करते हैं, उसका paste और पानी का paste उस जले हुए part पे लगा देना चाहिए। और बहुत ही ज़्यादा major burn हो चुका है तो डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद का ट्रीटमेंट वही है कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े, और कभी भी ज़्यादा जल जाता है तो इसके लिए टिटनेस लेना पड़ता है। टिटनेस एक इंजेक्शन होता है जो कि किसी भी घाव पे, कटे पे, छीले पे, जले पे लेना ही पड़ता है, नहीं तो टिटनेस नाम की एक बीमारी भी हो जाती है अगर टिटनेस का सुई नहीं लेते हैं तो। ठीक है, आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।